नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आईजी उमेश दत्ता बुधवार को अलवर पुलिस लाइन में पहुंचे, वहां उन्होंने पौधारोपण किया। इसके बाद पुलिस लाइन के फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। यूआईटी की तरफ से पुलिस लाइन में 16 बेड का फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर में पुलिस कर्मियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सेंटर में अपनी सेवाएं देने वाले एक डॉक्टर और यूआईटी सचिव का सम्मान भी किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिसकर्मी तनाव में रहते हैं, उन्हें एक जगह ही बेहतर इलाज मिलेगा। आईजी ने कहा कि अलवर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, संगठित अपराध और साइबर क्राइम में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि अलवर प्रदेश का सिंह द्वार है। अलवर में अगर हालात ठीक रहते हैं तो पूरे प्रदेश में क्राइम की स्थिति कंट्रोल में रहती है। अलवर में बढ़ते हुए क्राइम के ग्राफ पर पुलिस के आला अधिकारियों और सरकार का पूरा ध्यान है। पुलिस बेहतर काम कर रही है। अलवर में जल्द ही साइबर थाना खुलेगा। पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी जा रही है। अलवर पुलिस ने कई बड़ी गैंग को पकड़ा और इन गैंग ने देश के हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ठगे हैं। अलवर में क्राइम का ग्राफ कम हो, इसके प्रयास किए जा रहे हैं।